सेट थ्योरी पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। एक सिटी है, 50% ऑफ द पॉपुलेशन कैन स्पीक इन एग्जैक्टली वन लैंग्वेज अमंग हिंदी, इंग्लिश एंड तमिल। सबसे अच्छा काम होगा हम एक यहाँ पर वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये तीन सर्कल्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे तीन लैंग्वेजेस को जो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। लेट अस से हिंदी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेटर एच से, एंड देन इंग्लिश को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेटर ई से, और तमिल को लेटर टी से। 50% ऑफ द पॉपुलेशन कैन स्पीक इन एग्जैक्टली वन लैंग्वेज। एग्जैक्टली वन का मतलब है ये, ये और ये। लेट अस से इसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं लेटर ए से, ये लेटर बी से और ये लेटर सी से। तो इट इज गिवन दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 50। ओवरऑल ये हमारा 100%। ओके, 40% ऑफ द पॉपुलेशन कैन स्पीक इन एटलीस्ट टू ऑफ दीज थ्री लैंग्वेजेस। एटलीस्ट टू का मतलब होता है ये तीनों जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एग्जैक्टली टू को, और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है एग्जैक्टली थ्री को। लेट अस से इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी, ई, एफ और जी से। तो हमें डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये 40 की। नाउ ध्यान रखिए, डी ई एफ जी 40 है, ए बी सी 50 है, तो इन सब का सम 90 हो गया। ये 100 है, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 10%। 10% वो लोग हैं जो इन तीनों में से कोई भी लैंग्वेज में दे कैन नॉट स्पीक। ओके, और जानकारी दी गई है, नंबर ऑफ पीपल हु कैन नॉट स्पीक इन एनी ऑफ दीज थ्री लैंग्वेजेस ट्वाइस द नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक इन ऑल दीज थ्री लैंग्वेजेस। ये वैल्यू इसका डबल है, दैट मीन्स हमारे पास में जी की वैल्यू आ गई है 5। ओके, 52% ऑफ द पॉपुलेशन कैन स्पीक इन हिंदी। हिंदी में बात कर सकते हैं ऐसे लोग हैं 52%। And 25% of the population can speak exactly in one language among English and Tamil. That means हमें B plus C 25. Okay, मैं repeat कर देता हूँ। 25% of the population can speak exactly in one language among English and Tamil. तो English में and Tamil, इन दोनों में से किसी एक ही language में only, not in Hindi, ऐसे 25% लोग हैं। अच्छा, B प्लस सी की वैल्यू का 25 यहाँ पुट कर दूं तो A की वैल्यू आ जाएगी 50 माइनस 25 यानी कि 25। तो ये हो गया 25, राइट? क्वेश्चन पूछा गया है, देन द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन हु कैन स्पीक इन हिंदी। ओके, हिंदी में बोलने वाले ये सारे लोग हैं, हु कैन स्पीक इन हिंदी एंड इन एग्जैक्टली वन मोर लैंग्वेज अमंग इंग्लिश एंड तमिल। एग्जैक्टली वन का मतलब है हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी प्लस तमिल, Not हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस तमिल। तो हिंदी प्लस इंग्लिश यानी डी हमारे काम का है, ये हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि ये सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं। ऐसे ही ये भी हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि ये हिंदी के साथ इंग्लिश और इंग्लिश तमिल भी बोल सकते हैं। हमारे काम के सिर्फ ये दो वैल्यूज हैं। तो हमें क्वेश्चन में डी प्लस ई पता कर, ये 25 और ये 530, इस सर्कल की वैल्यू 52। अगर 30 को 52 में से निकाल देंगे तो हमारे पास D प्लस E बचेगा, एंड दैट विल बी 22%। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर।